हेलो गाइस, वेलकम टू द गैसर YouTube चैनल और गाइस वीकली टेक अपडेट के एपिसोड नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। गर्मा गर्म न्यूज लेके आ चुका हूं यहां पर स्मार्टफोन इंडस्ट्री से, आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से। तो आज की इस वीडियो में सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में बताने वाले धमाकेदार तरीके से। तो सिर्फ बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक, ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता है 1000 लाइक्स का, आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ रियलमी की तरफ से बहुत दिन से यहाँ पर लीक आ रही थी, रियलमी का फ्लैगशिप आने वाला है, ये आने वाले वो आने वाले, बहुत सारी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वगैरह भी लीक हो गई थी। लेकिन अब रियलमी की पूरी जो टीजर है वीडियो वो ऑफिशियली यहाँ पर लीक हो चुकी है और टीजर में यहाँ पर ये चीज कंफर्म हो जाती है कि फोन में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, 6.5 इंच का आपको बेजल लेस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ में 3680 एमएच की बैटरी बताई जा रही मिलने वाली है। बैक साइड से भी डिजाइन जो पूरा रिवील्ड हो चुका है और यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है। परफॉर्मेंस पहले बताया जा रहा था स्नैपड्रैगन का 855 देखने को मिलेगा, बट अभी लेटेस्ट लीक्स जो आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 730 देखने को मिलेगा। और ये जो फोन रहने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ मे में यहाँ पर चाइना में बताया जा रहा है लॉन्च होने वाला है इंडिया से पहले। तो देख लेते हैं यहाँ पर ये फोन कैसा आता है। बाकी ये फोन का जो नाम है वो भी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि रियलमी एक्स नाम का ये डिवाइस रहने वाला है। अब देखते हैं रियलमी चाइना में भाई क्या धमाल करता है। वैसे चाइना के बाद तो इंडिया में ये चीज कंफर्म है कि इंडिया में भी लॉन्च होगा, क्योंकि रियलमी का जो सबसे बड़ा मार्केट है फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि रियलमी के इंडियन ब्रांड है और यहाँ पर इंडिया में तो बहुत ही धमाका करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ये फोन कब चाइना में लॉन्च होता है, क्या कमाल कर पाता है। बाकी आप ये फोन को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। गाइस नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यहाँ पर रियलमी की तरफ से, यहाँ पर रियलमी 3 के बारे में तो आप सभी को पता होगा 9000 और 11000 में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं 32GB 64GB। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक और एक नया वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि 2 मई को यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होगा या बोल सकते हो सेल पे जाने वाला है। यहाँ पर वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो 64GB की स्टोरेज मिलेगी 3GB रैम के साथ में, प्राइस पॉइंट रखी गई है 10000 रुपए। तो मेरे हिसाब से तो डिसेंट डिवाइस है, 64GB आपको 10000 में मिल रहा है, ओवरऑल रियलमी 3 काफी जबरदस्त डिवाइस है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना 10000 के हिसाब से आपको कैसा लगा यहाँ पर रियलमी 3 का नया वेरिएंट, बताना नीचे कमेंट्स में। गाइस नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो क्या आप Redmi Note 7 Pro यूजर हो और आपको Redmi Note 7 Pro पे Fortnite खेलना है? अगर खेलना है तो भाई खुश हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर मनु कुमार जैन है जो कि इनके सीईओ, उन्होंने यहाँ पर ट्विटर पे डाल दिया है कि भाई फोर्टनाइट का सपोर्ट यहाँ पर आपने मांगे थे और हमने दे दिए। यहाँ पर अभी आपको जो भी अपडेट आने वाला है 10.2.10 का यहाँ पर MIUI का Redmi Note 7 Pro में, जैसे ही अपडेट आता है उसके बाद में यहाँ पर आपका जो फोर्टनाइट गेम है Redmi Note 7 Pro पे भी चलने लग जाएगा मस्की की तरह। अब देखते हैं भाई, मेरे पास भी Redmi Note 7 Pro है, मैं आपको जरूर खेल के बताने की कोशिश करूंगा। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपका फेवरेट गेम कौन सा है, फोर्टनाइट है या पबजी है, बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो या तो ओप्पो की तरफ से ओप्पो एक नया मिड रेंज सेगमेंट या बोल सकते हो बजट सेगमेंट का फोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है ओप्पो A1K। 8500 की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलता है, 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ में, मीडियाटेक का हीलियो P22 दिया हुआ है, वाटर ड्रॉप नॉच है, सिंगल कैमरा सेटअप है, 4000mAh की बैटरी है और ठीक ठाक फोन है और प्राइस पॉइंट है 8500। तो 8500 में मुझे थोड़ा ऑलरेडी एक्सपेंसिव लग रहा है, क्योंकि 500 बढ़ा के भाई रियलमी 3 मिल रहा है जो कि इससे मच बेटर डिवाइस है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ और डिस्प्ले वगैरह मिला के। तो ओवरऑल ओप्पो को भाई और काम करने की जरूरत है, भले ही ऑफलाइन बेच रहे हो, अब रियलमी आ चुका है तो भाई रियलमी खुद ही ओप्पो को यहाँ पर खा रहा है। बाकी ओप्पो अच्छा ब्रांड है लेकिन रियलमी रेडमी यार बहुत ज्यादा यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं। सो गाइस नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो अमेजोन का यहाँ पर नया सेल आने वाला है, क्योंकि अमेजोन समर सेल रहने वाला है 4 मई से लेकर 7 मई के बीच में देखने को मिलेगा। सिर्फ मोबाइल का नहीं है, सारी चीजों पे यहाँ पर आपको बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट देखने को मिलेगा, बैंक वगैरह के भी आपको बहुत ही एक्सीलेंट डिस्काउंट मिलने वाले SBI बैंक के साथ में। तो यार वेट कर लो, अगर आपको कोई फोन अमेजोन पे पसंद आता है तो भाई SBI का अगर आपके पास कार्ड है तो वेट कर लेना। बाकी इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से फोन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए अगर आपको कोई पहले फोन अगर अच्छा लगता है अमेजोन पे बिकता है वेट कर लो, काफी बढ़िया बढ़िया आपको डिस्काउंट यहाँ पर समर सेल में देखने को मिलेगा। गाइस नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ये आता है गूगल की तरफ से Pixel 3a XL, आपको बताया था कि भाई कुछ ही टाइम में लॉन्च होने वाला है, तो उसके जो लीक्स है ना वो भाई आते जा रहे हैं। अब Geekbench पे यहाँ पर जो गूगल का जो Pixel 3a था वो यहाँ पर स्पॉट हो चुका है, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको स्नैपड्रैगन का 670 देखने को मिल सकता है। और एक और एक चीज कन्फर्म हो चुकी है भाई, यहाँ पर जो वेरियंट आपको 4GB वाला भी देखने को मिलेगा, तो बहुत ही नजदीक है भाई, अभी आपको आने वाले कुछ ही हफ्ते में Pixel 3a देखने को मिलेगा और 3a XL भी देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं भाई गूगल क्या प्राइस पॉइंट पे स्पेशली इंडिया में लॉन्च करता है,
कि मार्केट में रियलमी रेडमी आसूस वगैरह ने इतना धमाका करके रखे है। अब देखते भाई गूगल को यहाँ पर अगर मिड रेंज और हायर मिड रेंज सेगमेंट में जगह बनाना है तो क्या प्राइस पॉइंट के साथ में इंडिया में लॉन्च करते हैं। बाकी ये मेरी को यहाँ पर न्यूज आप लोग के साथ में शेयर करनी थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।